ज्वाला 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 छोड़े लाया मैं गेम में, डॉलर 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 छोड़े लाया मैं गेम में, अब बड़ा नाम नाम बनाया मैं गेम में, अलियानी चैन। हाँ भैया, अभी 8 से ज़्यादा हो रहे हैं और अभी तक वीडियो शुरू भी नहीं करी है, और कल वीडियो डाली नहीं क्योंकि व्लॉग बनाया नहीं था, और कल बस चिल करा, खाया पिया और मूवी देखी और कुछ करा नहीं, और हम आज वीडियो बना रहे हैं और आज कुछ बातें करनी है। मतलब शब्दों में ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करनी, बातें करनी है। 3-4 टॉपिक हैं जिनके बारे में बताना है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर वन है, 3-4 दिन पहले मैं एक ट्यूटोरियल देख रहा था जिसमें मैंने देखा कि प्रीमियर प्रो में वीडियो एडिट करने के लिए कुछ शॉर्टकट कीज बताई हैं। मतलब मैं जिस चीज़ को 3-4 स्टेप में करता था वो चीज़ केवल एक स्टेप में हो रही है। जैसे आई से मार्क इन होता है, ओ से मार्क आउट होता है, और वही चीज़ मैं पहले राइट क्लिक करता था फिर मार्क इन करता था या मार्क आउट करता था। और ये चीज़ मतलब मुझे पता था कि शॉर्टकट कीज़ होती हैं, लेकिन मैंने कभी गौर नहीं करा इतना। और वो वीडियो देखने के बाद मुझे एहसास हुआ हम तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं भैया वीडियो एडिट करने में। मतलब जो वीडियो मेरी 1 घंटे में हो जानी चाहिए वो मेरी 1.5 घंटे में हो रही है, और इस चीज़ में मैं अब ध्यान दूंगा। मतलब जिसे कहते हैं ना एडिट लाइक अ प्रो, उस चीज़ की तरफ कदम बढ़ाऊंगा, तो वीडियो एडिटिंग भी अच्छी होगी, एडिटिंग जल्दी भी होगी और स्किल्स भी बढ़ेंगी एडिटिंग की। तो ये है। और अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 में। टॉपिक नंबर 2 है म्यूज़िक। वीडियो एडिट करने के बाद जिस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो है म्यूज़िक चूज़ करने में। मतलब मैं चाहता हूँ मेरी वीडियो के लिए ऐसा म्यूज़िक मैं चूज़ करूँ जो मेरी वीडियो को सूट करे। मतलब वीडियो अगर इंटेंस है तो म्यूज़िक फनी ना हो, वीडियो अगर फास्ट है तो म्यूज़िक स्लो ना हो, ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए मैं म्यूज़िक ढूंढने में काफ़ी टाइम लगाता हूँ, और मतलब मेरा 1/2 घंटा तो म्यूज़िक ढूंढने में ही चला जाता है। और इसके लिए मैं कई बार पहले से ही चूज़ करके रखता हूँ, लेकिन कई बार मुझे मेरी वीडियो के हिसाब से म्यूज़िक नहीं मिलता। और मतलब YouTube में अगर आप वीडियो बना रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत जगह से म्यूज़िक मिल जाता है, जैसे एक है YouTube म्यूज़िक स्टूडियो, लेकिन वहाँ मेरे हिसाब से चॉइसेस थोड़ी कम हैं। अगर आप वहाँ देखेंगे तो कुछ ही गाने हैं जिन्हें आप अपनी वीडियो में यूज़ करना चाहेंगे, कुछ दिन बाद वो गाने ख़त्म हो जाएंगे और आपको वो रिपीट करने पड़ेंगे, जो अच्छी बात नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक अपने चैनल में डालते हैं, लेकिन उसमें क्या है वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें आपको ढूंढने पड़ेंगे अपने हिसाब के म्यूज़िक और फिर वो अपने वीडियो में डालने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो कुछ कंपनीज भी हैं जो म्यूज़िक प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन उनके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जो महीने का भी होता है और साल का भी होता है, जैसे एपिडेमिक साउंड हो गया या म्यूज़िक बैड हो गया या पोजिशन म्यूज़िक हो गया। ये कंपनीज वो हैं जो म्यूज़िक बनाती हैं कॉन्टेंट के लिए, कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और पैसे खर्च करने से अच्छा आप उन यूट्यूब चैनल्स की तरफ जाइए जो नॉन कॉपीराइट सॉन्ग अपने चैनल में डालते हैं, आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए और अपने लिए गाने पहले से ही चूज कर लीजिए, तो वो मेरे हिसाब से सही है। टॉपिक 2 के बाद आते हैं टॉपिक नंबर 3 में, और टॉपिक 3 है कलर ग्रेडिंग। मतलब मैं अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में कलर ग्रेडिंग करता था, मतलब मुझे इतना नहीं पता लेकिन मैं प्रीसेट्स यूज करता था, और मेरे हिसाब से कलर ग्रेडिंग अगर नेचुरल लाइट आपकी वीडियो में है तभी अच्छी लगेगी। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये ट्यूब लाइट है, इधर भी एक लाइट है, और इसमें मैं कलर ग्रेडिंग करना चाहूँ तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ खास नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। और अगर यही नेचुरल लाइट होती, मैं आउटडोर शूट कर रहा होता और फिर कलर ग्रेडिंग करता तो उसमें बहुत मज़ा आता, वो वीडियो अच्छी लगती। तो मेरे हिसाब से कलर ग्रेडिंग अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हैं तभी करना चाहिए, वरना नहीं। माफ़ करिएगा पंगा चलना पड़ा है क्योंकि मेरे साथ फ़ोन भी हीट हो गया है इसलिए। तो अब आते हैं अपने टॉपिक नंबर 4 पे। टॉपिक नंबर 4 है लाइट। मतलब जैसे मैंने बताया कि एक लाइट इधर है, एक लाइट इधर है, मज़ा नहीं आ रहा है, और मैं अपनी लाइट में अगर पैसा खर्च करना चाहूँ तो 1 से 1.5 लाख आराम से खर्च हो जाएगा। मतलब क्रिएटर्स अपनी लाइट में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं और वो लाइट भी अच्छी होती है, मतलब नेचुरल लाइट का इफेक्ट देती है, और मुझे अभी इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है भी नहीं। लेकिन मैंने सोचा है कि एक छोटी सी रिंग लाइट लेके, जिसे हम टिकटॉक लाइट भी बोलते थे, टिकटॉकर्स यूज़ करते थे वो वाली लाइट, लेकिन मुझे वीडियो के लिए यूज़ करनी है, तो मैं वो वाली लाइट लेके यूज़ करूँ। मतलब वो हमारे बजट में भी आ जाएगी और साइज़ भी छोटा है, मेरा काम अच्छे से हो जाएगा उसमें। मतलब ज़्यादातर वीडियोस तो मैं दिन में ही शूट कर लेता हूँ, मतलब जितने सीक्वेंस मैं रात में शूट करता हूँ उसके लिए वो काफ़ी है। तो ये बात है। और एक बात और, आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मतलब रोज़ की तरह जैसे मैं रोज़ बनाता था आज मैंने बस बोला है बैठ के, तो मुझे सुनने के लिए शुक्रिया, मतलब मेरी बात अगर सुन रहे हैं आप तो उसके लिए थैंक यू। और बाहर अभी जाने का मौका ऐसा मिल नहीं रहा है, कहीं घूमने भी नहीं जा रहे हैं और कुछ काम भी नहीं पड़ रहा है, तो अगर जिस दिन मैं बाहर जाऊंगा घूमने या किसी भी काम से उस दिन अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, ये प्रॉमिस है। और बाकी ठीक है, मिलते हैं कल। कल मैं व्लॉग बनाऊंगा, कल डालूंगा व्लॉग। तो थैंक यू। कश मैंने दिया, अब बादलों के ऊपर मैंने गेम रख दिया, अब क्वालिटी गानों से मेक इट रेन कर दिया, बस बस हो गया अभी सिर्फ परिवार मेरा, पहले शनि था अब हर दिन शनिवार मेरा, डेंटिस्ट से ज्यादा मुझे गेम दाद दे रहा।